अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। आप लोग सबको इकट्ठा करके आप लोग द्वारा अगर हम सब मिलके ये भोजन का इंतजाम कर लेते हैं तो एक महीने तक जब तक लोग अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाते तब तक उनको संबल मिल जाता है। इसलिए आप सबको कितनी सारी दुआएं मिलेंगी, मैं बहुत सारी बधाइयां आपको देना चाहती हूँ हम सबकी तरफ से। और बहुत बहुत धन्यवाद सब कार्यकर्ताओं को जो साथ में आपके हैं, उनकी भी शक्लें दिखा दो। प्लानिंग तो कुछ नहीं, बस ये लॉकडाउन चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि लोग बाग जो रोज़ के मजदूर है कमाने वाले बेरोजगार है, इतना लंबा समय हो गया उनको रोज़गार नहीं है, उनके पास जिनके पास रोज़गार नहीं है उनके पास खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी वसुंधरा जी से बात की तो उन्होंने बोला कि आप गरीबों के लिए कुछ करो। मैंने कहा ठीक है, अगर आप फरमा रहे तो मैं यही चाह रहा था कि आप एक बार निर्देशित हमारे को करें हमें आगे भविष्य में क्या करना है। मैंने माननीय वसुंधरा जी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी उनके निर्देशानुसार हमने ये वसुंधरा रसोई योजना चालू लागू की है। इसमें हम सवेरे नाश्ता दे रहे हैं, दोपहर को क्या है कि लॉकडाउन की वजह से पब्लिक आ भी नहीं सकती और पुलिस और ये जवान जो है QRT फोर्सेस वगैरह है जो आने नहीं देते। शाम को थोड़ा ये 5 से 6 बजे के अभी इन्होंने सब्जी वालों को अलाउ कर रखा है सब्जी लेने के लिए, तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर इन मजदूरों को भी टाइम मिल जाता है, वो आके अपना भोजन करके चले जाएंगे। ये हमारा जब तक लॉकडाउन है तब तक ये हमारी व्यवस्था चालू रहेगी।